अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिफ्टिंग एनालिसिस, चैप्टर नंबर 11 है। इसमें आपने ये देखना, कोई भी ऑब्जेक्ट उसने लिफ्ट करना है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो वो कौन से पोस्चर अडेप्ट करता है, ठीक है। इसलिए आप इसे कहते हैं लिफ्टिंग, और उसका आपने एनालिसिस करना है कि कौन कौन से पोस्चर या किन किन पोजिशंस के अंदर वो उन ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकता है, तो चीज़ें हमने देखनी है। तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्ट, क्योंकि कल से इंशाल्लाह आप लोगों की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो वो मैं आप लोगों को क्लास में बताऊँगी। इंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट क्या होते हैं, लो बैक क्या होती है। लो बैक बेसिकली लोअर पार्ट ऑफ योर बैक इज़ द लो बैक, ठीक है। द लंबर स्पाइन का जो पार्ट है फ्रॉम द लंबर 1 टू द लंबर और द सेक्रम तक जो लेवल है वो आपका क्या होता है, लो बैक होती है। और इस एरिया में अगर पेन है तो उसे आप क्या कहते हैं, लो बैक पेन। और वो किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स की वजह से हो सकती है, मस्कुलोस्केलेटल हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल और ऑक्यूपेशनल हो सकते हैं। प्रिवेंशन हमारी ज़ाहिर है, जो भी रिस्क फैक्टर जिस वजह से भी वो पेन अराइज कर दिया, उन फैक्टर्स को आपने प्रिवेंट करना है, और अगर वो प्रोसेस कर रहे हैं तो उनको स्टॉप करना है और पेन को ट्रीट करना है। लिफ्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, मेन बेसिक आपके पास जो लिफ्टिंग है ना, वो आपके पास स्टूप लिफ्ट है, स्क्वाट लिफ्ट है और सेमी स्क्वाट लिफ्ट है। आपको इनका पता हो कि व्हाट इज़ स्टूप लिफ्ट, स्क्वाट लिफ्ट एंड सेमी स्क्वाट लिफ्ट। स्टूप लिफ्ट है यानी जितनी ट्रंक पे फ्लेक्शन ज़्यादा है, मैक्सिमम फ्लेक्शन जितनी हो सकती है ना ट्रंक के ऊपर, तो वो आपकी स्टूप लिफ्ट में आएगी। जैसे फॉरन आप इस डायग्राम के अंदर देखें, तो ये फर्स्ट वाली जो डायग्राम है इसके अंदर पर्सन क्या हुआ है, फुल आगे की तरफ बेंड हो गया है, ट्रंक को मैक्सिमली फ्लेक्स किया है, तो ये क्या है, इसकी स्टूप लिफ्ट है। द स्टूप लिफ्ट इज़ अ मैन्यूवर दैट टिपिकली रिक्वायर्स मैक्सिमम फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक एंड इज़ नियर टू नॉर्मल एक्सटेंशन, यानी नी पे एक्सटेंशन या नॉर्मल टू एक्सटेंशन होगी, यानी नी पे कोई फ्लेक्शन कोई इतनी नहीं होगी प्रोमिनेंट, लेकिन ट्रंक पे मैक्सिमम फ्लेक्शन होगी। स्क्वाट लिफ्ट क्या होती है, नी पे फ्लेक्शन होगी 90 और द अबव 90 डिग्रीज और ट्रंक पे लेस देन फ्लेक्शन 30 डिग्री तक फ्लेक्शन होगी, और ये कहते हैं द बेटर पोजीशन है। फंडामेंटल की बात करें ना, तो बेसिक जो लिफ्टिंग टेक्निक्स या पोजीशंस हैं उनमें बेटर है, क्योंकि इसमें आपके जो ट्रंक पे फ्लेक्शन कम है, क्योंकि जितनी फ्लेक्शन ट्रंक पे ज़्यादा है उतनी ही डिस्क पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा होगा। सेमी स्क्वाट लिफ्ट क्या है, द सेमी स्क्वाट लिफ्ट शेयर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूप एंड स्क्वाट, यानी स्टूप और स्क्वाट का जो मिक्स है ना वो सेमी स्क्वाट आ जाती है। स्टूप में क्या था कि मैक्सिमली फ्लेक्स था ट्रंक और नी एक्सटेंडेड था, मैक्सिमली एक्सटेंड था। स्क्वाट में क्या था, दोनों मिड में थे, नी फ्लेक्शन 90 डिग्री थी और ट्रंक फ्लेक्शन भी मिड में 30 तक या उससे कम था। लेकिन सेमी स्क्वाट में क्या है, नी और ट्रंक की फ्लेक्शन क्या होगी, ग्रेटर देन 45 डिग्री बट बिलो द 90 डिग्रीज, और उसमें जो ट्रंक का बेंड होगा वो भी ऑलमोस्ट इतना ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये स्क्वाट लिफ्ट है। इसमें क्या, सेकंड डायग्राम जो नीचे वाली है उसमें क्या है, पर्सन ने अपने ट्रंक को बेंड किया हुआ है कम, और जबकि नीज़ कितने हैं 90 डिग्री तक, लेकिन इस जगह पे नीज़ भी उतने ही है और ट्रंक भी उतने ही बंडा, विच इज़ ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो ये आपकी बेसिक हैं। उसके बाद कुछ और लिफ्ट्स हैं जिसमें आती है फ्री स्टाइल लिफ्ट, जैसे दिल चाहे उसी तरह से उस कर लिया, ट्रंक काइनेटिक लिफ्ट और लॉर्ड काइनेटिक लिफ्ट। दिस लिफ्ट रिजेंबल्स द फ्री स्टाइल लिफ्ट, दिस लिफ्ट रिजेंबल्स इन मोस्ट रिस्पेक्ट द सेमी स्क्वाट लिफ्ट बट कैन डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। हर एक पर्सन ने अपने तरीके से उसको करना है, लेकिन वो होती जैसे सेमी स्क्वाट है ना उस तरह की, जैसे दिल किया उस तरह से कर लिया उसको। ट्रंक का काइनेटिक लिफ्ट क्या थी कि पर्सन क्या करता है ड्यूरिंग द मूवमेंट, अपनी सडन एक्सटेंशन मूवमेंट करता है ऑन द ट्रंक लिफ्टिंग से पहले, तो उसे आप कहते हैं ट्रंक काइनेटिक, यानी ट्रंक की मूवमेंट हुई है। लोड काइनेटिक लिफ्ट क्या है, जो इफ़ द लोड काइनेटिक लिफ्ट रिक्वायर्स अ क्लोजर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द लोड टू द बॉडी जस्ट बिफोर द इनिशियल एक्सेलरेशन, यानी बॉडी के साथ लगा के लोड अगर उठा रहे हैं तो वो आपके लोड काइनेटिक लिफ्ट है। आज हम यही देखेंगे, नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह कल से फिजिकल क्लास होती है तो उसमें फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे।